पे कमीशन से लेकर एमएसपी से लेकर ओआरओपी तक जेएसओ जवानों के साथ में क्या और कब कब और किसकी वजह से विसंगतियां हुई हैं? और उनने ये भी माना कि पे कमीशन में विसंगति है, रक्षा मंत्रालय ने माने नहीं, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से भी यही सवाल किया था कि पहले एक चीज बता दीजिए कि जो हम मांग पत्र देते हैं, जो पोस्ट कार्ड देते हैं, वो संबंधित विभाग और रक्षा मंत्रालय तक, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिसे भी लिखते हैं, पहुंचता है या नहीं, इसमें विचार होता है या नहीं, या डस्टबिन में तो नहीं डाल दिए जाते हैं? कहते हैं सब कुछ ठीक तो है, बेकारी आप लोग क्यों प्रदर्शन करते, भारत सरकार ठीक ही दे रही है, पांचवी इकोनॉमी है भारत, हमें आराम से दे सकती है। भारत माता की आरोपी की विसंगतियां, एमएसपी, सैनिक एकता। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय सेंद्री, सेंद्री इंफोटेक चैनल से आज आया हूं देहरादून में गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों को यहां पर एकत्रित किया गया है, संगठित किया गया है, और यहां पर आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में भूतपूर्व सैनिक आए हैं। हालांकि बाहर जो है बारिश भी हो रही है, इसके बावजूद भी काफ़ी जो क्षेत्रीय भूतपूर्व सैनिक हैं यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार से गौरव सेनानी पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर भूतपूर्व सैनिकों को जागरूक कर रही है, इसके अलावा जो है ओआरओपी और पेंशन विसंगतियों से संबंधित दुनिया भर के ज्ञापन जो है सरकार को भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से इसमें कोई एक्शन हो रहा है? और जिस प्रकार से गौरव सेनानी घूम घूम कर भूतपूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा जेएसओ जवानों, भूतपूर्व सैनिकों को? क्या वो जागेंगे या जाग रहे हैं? और पेंशन में जो विसंगतियां हैं उनके बारे में भी जो है कुशाल परियार साहब से जानना चाहूंगा कि पे कमीशन से लेकर एमएसपी से लेकर ओआरओपी तक जेएसओ जवानों के साथ में क्या और कब कब और किसकी वजह से विसंगतियां हुई हैं? कुशाल परियार साहब नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि सेंद्री जी ने पहला सवाल पूछा था कि अब तक संघर्ष का परिणाम या फीडबैक क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं, नेशनल लेवल पर हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से दो चीजें सरकार ने अब तक हिंट दी कि जो हमने ईसीएस में बोले थे कि 100% मिलिट्री डॉक्टर होते हैं और वो हमें फौज के रैंक के हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो सिविल डॉक्टर होने से उन्होंने कहा था कि 20% सिविल डॉक्टर भी होंगे। दूसरा, सीएडी संबंधी और लिक्विड कोटा या इस तरह के 2 महीने का एक साथ मिल जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने मानी थी और उन्होंने ये भी माना कि पे कमीशन में विसंगति है, रक्षा मंत्रालय ने। लेकिन उसके लिए जिस हिसाब से आपकी डिमांड है, बजट पर्याप्त नहीं है, इस पर पीएमओ ही कुछ कर सकता है, इसलिए पीएमओ को हमने फिर उसके बाद पोस्ट कार्ड अभियान चलाया और पोस्ट कार्ड अभियान में संक्षिप्त रूप में संदर्भ को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रस्तुत किया। अब इसमें विचार होता है या नहीं, या डस्टबिन में तो नहीं डाल दिए जाते हैं? इसी संदर्भ में यहाँ पर अमर उजाला का समारोह था उनका, तो अमर उजाला में यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ पर जो उनका संवाद था उसमें हम गए थे, तो हमने माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से भी यही सवाल किया था कि पहले एक चीज बता दीजिए कि जो हम मांग पत्र देते हैं, जो पोस्ट कार्ड देते हैं, वो संबंधित विभाग और रक्षा मंत्रालय तक, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिसे भी लिखते हैं, पहुंचता है या नहीं? उन्होंने कहा सब पहुंचते। मैंने कहा डस्टबिन में तो नहीं डाल देते? बोला नहीं, उन पर विचार हो रहा, कुछ चीजें कोर्ट जारी करी, कुछ गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि हमारा संघर्ष बेकार जाएगा। तो जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक हिंट मिली वो ये कि पर्याप्त, जैसे 28 से 30 लाख पूर्व सैनिक हैं जिनका यहाँ पर जो भी हम प्रदर्शन करते हैं, जिनको लीड करते हैं, जिनके बारे में कहते हैं, उनकी संख्या कभी भी 5000 से ऊपर नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा 500, 25, 30, तो 500 लोग रिप्रेजेंट क्या 30 लाख को करते हैं? इसलिए भी जब तक संख्या बल नहीं दिखाया गवर्नमेंट नहीं मानेगी। तो कई लोग कहते हैं सब कुछ ठीक तो है, बेकारी आप लोग क्यों प्रदर्शन करते, भारत सरकार ठीक ही दे रही है। मैं भी वही याद दिलाना चाहता हूं आपको, 1973 के दौर में 25% पेंशन कटअप का क्या दिया आपने, वहां पर ऑफिसर्स को डिस्टर्बेंस अलाउंस मिलता था, फोर्थ पे कमीशन में फिर उन लोगों को स्पेशल स्टेटस के तौर पर रैंक पे दी जाती थी, क्या निचले रैंकों को उसका अकॉर्डिंग कुछ मिला? बराबर की बात नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू ड्यूटी चार्टर कुछ तो मिलना चाहिए था। फिफ्थ पे कमीशन में सेकंड लेफ्टिनेंट साहब रिमूव होकर लेफ्टिनेंट से रैंक शुरू हुए, हमारा कौन सा रैंक अपग्रेड हुआ? क्या नायब सूबेदार की जगह सूबेदार से शुरू किया? आप कहते हैं आईएएस ड्यूटी और सिविल कंपैरिटी के लिए जरूरी है कि लेफ्टिनेंट हो, बॉर्डर पे बीएसएफ या उनके रिश्तेदार की संख्या पैरामिलिट्री की ज्यादा होती है, तो नायब सूबेदार का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, उनको अपग्रेड क्यों नहीं किया? आइए चलो सिक्स पे कमीशन आपने कहा रनिंग पे बैंड है वो सबके लिए, आपके लिए रनिंग पे बैंड 4 में भी था, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, 6 में ठीक है रनिंग पे बैंड है और आप लोगों को उच्च स्तर तक पहुंचने के मौके मिलेंगे, वहां पर आपने कर्नल और ब्रिगेडियर साहब को पे बैंड 4 में ले गए, हमारा तब भी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। रहा 7th में बची खुती, सर कुछ दिनों तक पे बैंड पोस्टमन रहा, सिविल का पे कमीशन खुल चुका था, हमारा पोस्टमन नहीं था कि कुछ संशोधन हो रहा था, संशोधन मैं आपको बता दूं, डिसेबिलिटी आपने परसेंटेज बेसिस की, पहले सैलरी बेसिस था, तो परसेंटेज बेसिस फायदा किसको होगा, जिसकी 20,000 पेंशन है उसको या जिसकी 1,00,000 है? तो परसेंटेज 20% भी है तो किसको बेनिफिट होगा? उन्हीं को होगा। दूसरा, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को आप पे बैंड 4 में ले गए और हम जहां थे वहीं रहे,
और जबकि आप 7th Pay Commission और 6th Pay Commission को उठा के देखिए, एक भेड़ पालन जो ऊन निकालते हैं भेड़ की, सह पर्यवेक्षक रैंक का नाम है पशुपालन विभाग के, वो 1900 के ग्रेड से 2400 के ग्रेड में चले गए। क्राफ्टमैन जो 2800 के ग्रेड में हौलदार जी के साथ है, वो 4200 के ग्रेड में है, हौलदार जी वहीं के वहीं है। जीएसओ साहब जिसको आप गजेटेड बोलते हैं कि 70,500 से लेकर 11,500 के पे बैंड के जो लोग हैं, उस पे बैंड को आप गजेटेड स्केल देते हैं। ऐतिहासिक समरूपता, राष्ट्रपति का विशेष नोटिफिकेशन, हमारा भी हिसाब महफूजदार साहब का, लेकिन पे लेवल 8 में 47,600 की जगह आप उसको 35,400 से शुरू करते हैं, दो लेवल नीचे फेंकते हैं, तो हौलदार और अन्य रैंक तो उससे नीचे ही रहेंगी। ये बड़ी विसंगतियां हैं। और तब आप ओआरओपी देते हैं, उसे कहते हैं आप बेस ईयर और एवरेज बेसिस। एवरेज का मतलब कि मैं 20 साल में हौलदार बना तो दूसरा 16 में बना होगा। उन सब का समराइज करके आप एक फैक्टर देते हैं। मुझे बताइए अफसर कभी एवरेज होता है? 2 साल में कैप्टन बनना ही बनना है, 6 साल में मेजर निश्चित है, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनना ही बनना है, क्योंकि 14 साल में आपके SS घर चले जाते हैं, उनको भी आप पूरा बेनिफिट देते हैं। और 20वें साल में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का जो इंक्रीजमेंट लगता होता है 1,43,700, जबकि मेजर साहब का 24वां इंक्रीजमेंट 1,35,000 ही है। यानी मिनिमम सर्विस में एक ऑफिसर एक पे बैंड की सारी सीमाओं को पार कर जाता है। तो मुझे बताइए मैक्सिमम सर्विस में 24 साल में हवलदार जी अपना वेतन ही क्यों नहीं पकड़ पाया? 57,500 हौलदार का 24वां इंक्रीजमेंट है, वो 44,900 पर स्टॉप क्यों हो रहा है? इसका मतलब एक रैंक से दूसरे रैंक का अंतर, ग्रेड और जो MACP का जो टाइम वैल्यू बहुत अधिक है, जिसमें मैक्सिमम रैंक होते हैं नायक और सिपाही 60% से ऊपर नफरी, वो इस MACP के तीसरी MACP उन पर लागू ही नहीं होती। बताइए कैसे MACP लागू की, जबकि आपका शॉर्ट सर्विस जो नौकरी पूरी नहीं करते हैं वो तीनों टाइम स्केल लेके क्यों जा रहे हैं 14 साल से पहले? और क्यों सिपाही 17 साल करने के बाद भी तीसरी MACP ले नहीं पा रहा? क्या ये विसंगति देखी नहीं गई? अपग्रेडेशन के हवाले देखिए आप, हौलदार अपग्रेडेशन नहीं हुआ, नायब सूबेदार साहब अपग्रेडेशन नहीं हुए। ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम रिपोर्ट देती है कि सिपाही 8 पास होता है, जिसके आप 30% वैल्यू देते हैं, प्रोफेशनल ड्यूटी 40 हो गया 70, 10% देते हैं आप वर्किंग कंडीशन 80, 10% लीडरशिप और 10% रिस्क हो गया 100%। उस आधार पर आप उसको लेवल 3 में शुरू करते हैं। चलो 21,700 से आपने शुरू भी किया, तो मल्टीपल जब आप MACP देते हैं, जब प्रमोशन की गणना करते हैं, उसको डाउनफॉल करके 18,000 पर क्यों लाते हैं आप? 18,000 प्लस 1,800, 210 इंक्रीजमेंट, उसके 10 इंक्रीजमेंट प्लस बंचिंग का एक इंक्रीजमेंट बेनिफिट तो जाता है 25,500। कैलकुलेशन देख लेना, मैंने भी वीडियोस में करेक्ट कैलकुलेशन करके दिया। तो फिर अगला 20 साल में देना था, 20 का गुणांक करना था, उसे आप 16 का गुणांक करते हैं, तब आता 29,200। तो लगातार डाउन फॉलिंग होने से जब 24वें साल में हौलदार जी MACP 3 लेता है, वहां पर उसको मात्र 800 का फायदा होता है, जबकि मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर 34,000 का बेनिफिट होता है। तो 40% लगभग बेनिफिट होता है, मैं ये नहीं कह रहा बेनिफिट होना नहीं चाहिए, लेकिन उसका एक रेशो होना चाहिए, इतना अधिक नहीं होता है। लेकिन अब जब कर्नल साहब 97 साल में 1,95,000 जो है 32 साल में ही पकड़ देते हैं, नौकरी 35 से 37 करते हैं, 2-3 साल बिना इंक्रीजमेंट के रहते हैं और हम इंक्रीजमेंट तक ही नहीं पहुंच रहे, वहां पर आप दो डिमांड रखते हैं साहब। एक तो मांगते हैं आप स्पेशल रैंक इंसेंटिव कि हमारा बेसिक प्लस ग्रेड प्लस मिलिट्री सर्विस पे का गुणा गया 5% हमारे को अलग सा इंक्रीजमेंट दिया जाए, क्योंकि आपके आखिरी के 3 साल खल रहे हैं। दूसरा आप मांगते हैं NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन कि आप MES और सर्वे वाले हमारे साथ काम करते हैं ड्यूटी ऑफ चार्टर के लिए और के लिए जरूरी है प्रोटोकॉल के लिए कि हमें भी मिले, वो लेते हैं साहब, उनका पहले से है, आप अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाते हैं। और हम सिपाही 43,100 पर पेंशन क्यों नहीं जा रहा है? नहीं गया तो वो कमी क्या आपने ORP के जरिए पूरी की? सीधा सवाल, नहीं की तो फिर ORP किस बात की लड़ाई? इसी बात की तो है। ग्रेड अब जब होगा तब होगा, मिलिट्री सर्विस पे जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, कोर्ट में बढ़नी ही चाहिए, लेकिन 43,100 उसका बेसिक है लास्ट 24वां इंक्रीजमेंट, 5,200 मिलिट्री सर्विस है, 48,300 होता है, 48,300 का आधा कितना होता है 24,150। तो मुझे बताइए क्या सिपाही इस ORP में आपने 24,150 पर सेट किया? ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी कि क्यों हम मैक्सिमम क्यों मांग रहे। मैक्सिमम का फैक्टर विथ रैंक वेटेज के साथ दो, सिपाही का रैंक वेटेज 12 है, जीसीओ का 5 है, गुणा गया 5, जैसा आप कम्यूट में फैक्टर लगाते हैं इसी प्रकार लगाना था, ताकि पुरानी पेंशन पॉलिसी पर आता। यदि नई पेंशन पॉलिसी जारी की तो आपने पूरे 60 साल करने की नौकरी करवानी थी, वो मौके आपने नहीं दिए, तो जितने आपने लेवल रखे 24 इंक्रीमेंट हमें उसके हिसाब से पेंशन चाहिए कम से कम। तो ये बातें हम अवेयरनेस करने के लिए लोगों के बीच आते हैं। धन्यवाद आप सभी का, आज ये 15वां दौरा था,
जो इस नथुवाला क्षेत्र गुजरावाली में हमारी मीटिंग है और इस सारे गढ़वाल में मीटिंग होते रहेंगे और आने वाले 6 अगस्त को हम एक भव्य विशाल रैली रामलीला मैदान में करेंगे और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि संख्या बल हो जिससे आपकी मांग मानी जाए। 5वीं इकोनॉमी है भारत, हमें आराम से दे सकती है, लेकिन हमें भी इसके लिए संगठित होकर काम करना पड़ेगा और सरकार के समक्ष वो फैक्ट रखने पड़ेंगे जो कि उन्हें मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडवाइजरी जारी है, होने दो, कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। भारत का संविधान है, अपने अधिकार के लिए आप लड़ सकते हो, बोल सकते हो, और क्या है, क्या करेंगे, जेल डालेंगे, जेल जाने के लिए भी तैयार है, जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भारत आजाद होता उस टाइम भी जेल भरो आंदोलन हुआ था, करने के तैयार है अपने हकों के लिए, कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। फिर मैंने बात करी वीर बहादुर जी से, मैंने कहा सर इसका खंडन कीजिए आप, बहुत जल्दी कीजिए, और उन्होंने उसी दिन उसका खंडन करके सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं या जो हम लोग जो हमारे संविधान के तहत हमारे क्या अधिकार हैं उसके अनुसार उन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी एक बात रखी थी। आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा, व्हाट्सएप में, ग्रुपों में, फोनों में, सभी जगह गया, सारे ग्रुपों में गया, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा हमारी कोई पेंशन बंद नहीं कर सकता, हमको हमारे अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं कहीं पर। तो इस प्रकार हमारे जो आपका गौरव सेनानी संगठन है वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।